What's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs. I hope you all are good. आज सुबह सुबह काफी अच्छी धूप भी आ रही है बाहर और मतलब अच्छी लाइटिंग भी है और मौसम एकदम प्लेजेंट है, ज्यादा बुरा भी नहीं है. बट इतने दिनों बाद ऐसी धूप देख के ना मजा आ गया. तीन दिन से हम तरस गए थे धूप देखने के लिए, इतनी लगातार बारिश हो रही थी उस वजह से. ये शॉर्ट्स लेना ना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है, मतलब लगता है इजी है बट है नहीं. प्लस मेरे पास तो GoPro है नहीं, तो मेरे को मुंह में खून फंसा के मेरे को शॉर्ट्स लेने होते हैं अगर मैं POV वाला लेता हूँ तो. अब मैं अंदर निकलता हूँ क्योंकि मेरे को अभी काम करना है. ये वही एक ट्रे है जो मैं कल लाया था, जो यूज नहीं है अभी, मैंने यूज करी है. भाई मेरे को भी जस्ट रियलाइज हुआ, मैंने एक बॉयल होने के लिए रखे थे, गए. ये खराब हो गया, किस गैस बंद कर दूं, गए पता नहीं, चेक ही करना पड़ेगा. आई होप सही हो, लग तो नहीं रहे बट एक्चुअली कुछ कह भी नहीं सकते, गर्म है, बच गए, हाथ जल गए, लेकिन हाँ सही, अंडे एकदम सही खाने लायक है, बच गए. कल रात को जब मैं हॉट चॉकलेट पी रहा था ना, हॉट चॉकलेट इतना गर्म था कि पहली सिप में मेरी जीभ जल गई थी. ऑल्दो मैंने वो बताया नहीं ब्लॉग में क्योंकि तब मैंने एंड कर दिया था, बट मेरी जीभ जल गई थी. उसके बाद से ना पानी पी रहा हूँ तो बड़ा अजीब सी सेंसेशन हो रही है. मम्मा जा रहा हूँ ऑफ टू जिम सुबह सुबह क्योंकि मन कर गया एकदम से जाना, क्योंकि कुछ करने को नहीं था, मैंने सुबह ही कर लेते हैं. आई होप जिम खुला क्योंकि सैटरडे संडे क्लब बंद होता है तो जिम भी शायद से बंद होगा, बट फिंगर्स क्रॉस खुला होगा तो अच्छा. भाई साहब आज कुछ ज्यादा ही तेज की धूप आ रही है, मतलब तीन दिन से अच्छी आई नहीं, और जब आई है तो एकदम बहुत ही अच्छे से आई है, आंखों में चुभ रही है यार. जिम खुला है, बंद है, जिस चीज का डर था वही हुआ, जिम बंद है. ऐसे तो ऊपर जाऊंगा नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट में लोग खेल रहे तो अभी बास्केटबॉल खेल लूंगा. बास्केटबॉल का प्लान कैंसिल, बास्केटबॉल कोर्ट में लोग कुछ और ही कर रहे हैं. अभी मैं यहाँ जॉगिंग नीचे कर लेता हूँ तो वर्कआउट तब भी कंटिन्यूस रहेगा. राउंड्स लगा लिए तो अब तो स्प्रिंट मारूंगा ग्राउंड के बीच में तेज. एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट में लोग पिट्ठू खेल रहे हैं, मेरा मन ललचा गया वो खेलने का, तो दो स्प्रिंट मारूंगा फिर जाऊंगा पिट्ठू खेलने. स्प्रिंट मारने गया तो कान से एक ईयरबड गिर गया, ईयरबड तो मिल गया लेकिन उसका रबड़ नहीं मिल पा रही. अब पता नहीं किस साइड घास में गिरी है यार, वैसे रबड़ की कोई दिक्कत नहीं और है बट तब भी यार मैचिंग कलर की थी और मेरे साइज की वो एक ही थी. मुश्किल से मेरे साइज की रबड़ मिली थी क्योंकि जिसकी ओरिजिनल थी तो मैंने मम्मा ने जो मंगाए थे रेड वाले तो उसकी मैंने लगाई हुई थी, अब वो भी गई यार. पता नहीं भागते भागते एकदम से गिर गया, मेरे को पता भी नहीं चला. बट चलो ईयरबड तो मिल गया, मेन दिक्कत तो ईयरबड की, ईयरबड तो मिल गया कम से कम, ईयरबड को कुछ नहीं हुआ. एक स्प्रिंट हो गई, एक और मार दो फिर जा रहा हूँ पिट्ठू खेलने. ग्रेट, पेट में क्रैम्स आने लग जाते हैं एकदम से भागो तो तेज. मेरी टाइमिंग हमेशा खराब की होती है, पिट्ठू बंद हो गया, बास्केटबॉल खेलते तो अच्छा बास्केटबॉल ही खेलने को मिलेगा, अब बास्केटबॉल ही खेलता हूँ मैं. ग्रेट गेम, मजा आया खेल के. ऑल्दो लोग बहुत वाइल्ड हो गए थे, अंकल अंकल थे. अब एक सोसाइटी का चक्कर मारूंगा, अगर मॉर्निंग में वर्कआउट कर लो तो पूरे दिन एक्टिव रहते हो. ऑल्दो मेरा थोड़ा उल्टा सीन हो जाएगा अगर एसी चलता तो, मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ, सबके साथ ही होता है. बट हाँ एक्टिवनेस रहेगी, अब तो थोड़ा बहुत जितना कर लिया मैंने कर लिया इनफ है. बस अभी भी यही दुख है वो ईयरबड की, कैप चली गई यार. ये दीदी ने मेरे को मेरी जो कल टी शर्ट गायब हो गई वो ला के दी. मेरे को अभी याद आया मैंने दीदी को प्रेस होने के लिए दी थी कि सोफे के पीछे रख दो प्रेस हो जाएगी, जुगाड़ लगाया था. हो गई दीदी वैसे प्रेस हल्की फुल्की? मेरे माइंड से स्किप हो गया था यार वो. दीदी के जाने से पहले मैंने उनको कहा था दीदी ये लो आप प्रेस के लगा दो, तब तक मैं ना खाना ले आता हूँ. जब तक खाना लिया मैंने उतने में दीदी चली गई ये रख के पीछे. अब जैसे खाना लिया फिर मैं ढूंढता रह गया. तो हाँ अब मेरे को याद आया ये हुआ था. गुड वर्कआउट के बाद अगर एक अच्छी चाय हो जाए तो फिर हम जाए चाय लवर को जिंदगी में और चाहिए क्या इम्पोर्टेंट. तो आई जस्ट सॉ वीडियो कि दो लोग अभी हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हुई है एक दो दिन पहले उसमें दो लोगों ने कैसे सरवाइव किया, एंड इट्स रियली सैड टू सी उनकी हालत कंडीशन. 8-9 लोग ट्रैवलर में थे, न्यूज कंफर्म है कि नहीं कुछ नहीं पता मेरे को, मैंने जो वीडियो देखी उस पर्सन की मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, डोंट कोट मी ऑन दिस. 8-9 लोग थे ट्रैवलर में, वो दोनों विंडो के थ्रू कैसे करके एस्केप कर गए और बाकी गिर गए. इन लोगों की मतलब हालत बहुत ही खराब थी और लैंडस्लाइड बहुत ही गंदी और इनकी ट्रैवलर नीचे गिर गई और ये ढूंढ रहे. वीडियो बाय वेव हाइकर्स, एक बार आप जाकर खुद भी चेक कर लेना ये वीडियो. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही टफ टाइम चल रहा है हिल स्टेशन ये सब जाने के लिए, तो इतना हिल स्टेशन वाला मत करो बिकॉज यू नेवर नो. टचवुड ना हो ऐसा किसी के साथ बट यू नेवर नो. तो अगर जा रहे हो तो थोड़ा संभल के जाओ, आई वुड तो से मत जाओ. गुड मॉर्निंग. चार पूड़ी दो. ये चार पूड़ी खा ली क्या आपको लगता है? ड्रामेबाज एमी 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 आज जा रहा हूँ ना, चिल्लाया मत कर. दीदी खाना दे दो, इंसान भूखा बैठा सुबह से. ये मतलब जो जो अभी उठे उनको खाना मिल रहा है, जो पहले से उठे उनको खाना नहीं मिल रहा है. अभी मेरी पीटीएम स्टार्ट होने वाली है, मैं नर्वस हूँ. मेरे को डर है कि कल 12वीं वालों का रिजल्ट है, आज मेरा रिजल्ट आ रहा है. वैसे आज सच कोई मेरे को लगता नहीं कुछ कंप्लेंट मिलेगी. बैठे बैठे ऐसे 15 मिनट हो गए, पहले गलत लिंक पे चले गए, अब जब सही लिंक पे आए तो 15 मिनट से ऐसे बैठे हुए हैं बस, फोन में लगे, मीटिंग में एंटर ही नहीं मिल रही है. क्या हो रही है, क्या हो रही है? टीवी भी चल रहा है ना, पढ़ाई नहीं हो रही ना, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही ना, गेम भी खेल रही हो, पढ़ाई कहाँ कर रही हो आप?
तो नो पढ़ाई है ना। 5:30 इन द आफ्टरनून हैड अ ग्रेट स्लीप। जैसे उठा एकदम से नानी जी का कॉल आया कि जल्दी आ, माफिया को लेके जाना है कि बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई है, तो उसको डॉक्टर पे लेके जाना है। तो आई एम जस्ट रशिंग टुवर्ड्स देयर प्लेस कि जल्दी से भागूं। चलो बस हाँ लंगड़ा के चल रहा है। पैर में दिक्कत हुई है माफिया, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकता, उसके पीछे वाले पैर में कुछ पता नहीं प्रॉब्लम सी होगी। शांत 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 बच्चा शांत, आ जा, सही हो जाएगा सब। अभी ऊपर आया था नानी जी से कुछ बिजनेस टॉक करने, उसी बहाने किटकैट भी ले ली। बिजनेस टॉक डन, ग्रेट डूइंग बिजनेस विद यू माय फ्रेंड। आमी हेलो करो, ये लो पहले पर्स या बुक। अभी ये लो पर्स। अरे बढ़िया, इनके मंदिर रूम में बड़ी अच्छी लाइटिंग आ रही है। अभी पर्दे लगाए हैं मैंने, यहाँ का भी फोटो खींचूंगा मैं। अभी 2 मिनट यहाँ व्यू देखने आया तो मैंने यहाँ छिपकली देख ली। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तब से ना छिपकली से इंटरेक्शन कुछ बढ़ गया है ज्यादा। सामने वो रही अमी और वो रही सीमा दीदी। 300 रुपए लो, 140 का समोसा, 100 रुपए की जलेबी लेके घर पहुंच जाना, नाना जी का हुक्म है। 11 ऊपर अपने वाले में ऐसे अपना काम दूसरों को सौंप देते हैं अगर आला सारा हो तो। इसके इसके फोटो खींचने के चक्कर में पीछे मकड़ी का जाला, मेरे को पता नहीं मैं उसमें घुस गया। ये 96% वाले पूरा पूरा मकड़ी के जाले में घुसा दिया, पता नहीं कहाँ का लगा। मैं पार्टी दे रहा हूँ है ना, 96 मेरे आए जैसे है ना। जलेबी खाओगी अमी, अमी जलेबी खाओगी। मार क्यों रहे हो? लगी तेरे बोल रहे ढंग चाहिए तेरे को। हमने जाएंगे तो कौन समझाएगा? अरे कोई कैमरा थोड़ी लगा। नहीं इधर रिकॉर्ड हो गया वो। हम सब नाना नानी जी, मैं और आमी जा रहे हैं। तो नाना नानी जी जब तक घर पहुंचेंगे, मैं और आमी शॉप से दवाई लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस डील हुई थी मेरी और नानी जी के बीच में अभी वो पूरी करनी। मैं और आमी अभी शॉप जाने से पहले मंदिर आए हैं। कल से अगस्त मंथ स्टार्ट हो रहा है और मेरा बर्थडे मंथ है, तो अगस्त मंथ की स्टार्टिंग थोड़ा अच्छे से करो। मैं सुबह भी आऊंगा मंदिर, बट अभी पहले आए हैं। दरवाजा बंद है बट कोई ना, बाहर से प्रे कर लेते हैं। वेरी गुड, एक और बजाओ। बेटा मजा तो आ गया, आपने उतरते समय मेरी गर्दन नोच दी पूरी। आए लग गए मेरे। कोई ना, आपने पहले मारा। ऐसे प्लीज बोल के ब्लैकमेल करती है ना, सामने वाले का दिल पिघल। मैं नहीं दिलाऊंगा, कुछ भी कर लो। आपको एक चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट ही मिलेगी। देखो जो देखो, ये बच्चे हमेशा शॉप पे जाके फैल जाते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और अगर नहीं दिला तो फिर चिल्लाती है और मारती है और रोती है। पता ही नहीं था। ड्रामेबाज। आप बाइक को गाड़ी कहते हो? ठीक है, मेरी गलती हो गई, मेरे को लगा कार आ रही है। मोटू अभी काम जा रहे हैं। नानी जी का सुनो ना, माजा पी रही हो? माजा पी रही हो? दे दो माजा, दे दो माजा, दे दो। मंश ऐसे बोल रहा है, एमी फोन पे बैठी है, वो कहता है मेरा भी दोस्त आया है, मैं बात में करता हूं जरा। ये सब एमी की वजह से होता है। ये देखो बेमतलब मेरे को आजकल बहुत मार रही है। आपके साथ बिजनेस करके मजा आया नानी जी। It was great doing business with you. Thank you so much. Thank you so much. पसीना आ रखा है। रॉन्ग कुत्ते। हम अपने प्यार दिखा रहे हैं तो इसमें हम कुत्ते हो गए। ये एक सेकंड, ये बाल में क्या कंघा फंसा हुआ तुम्हारे इतनी देर से? अरे लगा रखा है। ये क्या कंघा फंसा हुआ है? तो अभी आमी ड्राइंग कर रही है, उसने खाना खा लिया, मैं भी अभी खाना खाऊंगा फिर मैं सोने जाऊंगा। अभी तब तक मूवी देख रहे हैं हम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग याद से देख लेना। बाय। मैंने नहीं बोला था इसको करने के लिए, मैं आके बस बैठा था, उसने खुद से करा। बाय। सीमा दीदी को डांट पड़ गई। इतने काट मेरे को क्या करते हैं?